ईरानी फाउंडेशन ने इस्लाम मुखालिफ तौहीन अमेज नावल के 75 साल मुसन्नफ मलून सलमान रश्दी पर हमला करने वाले शख्स को इनाम देने का ऐलान किया है। ईरान के मकामी मीडिया के मुताबिक सलमान रश्दी पर हमला करने वाले शख्स को 1000 मरबा मीटर ज़रई ज़मीन देने का ऐलान किया गया है। ईरानी फाउंडेशन के सेक्रेटरी का कहना है कि सलमान रश्दी सिर्फ एक जिंदा लाश से ज़्यादा कुछ नहीं, इस बहादराना इकदाम को खराज तहसीन पेश करने के लिए तकरीबन 1000 मरबा मीटर ज़रई ज़मीन इस शख्स को दी जाएगी। वाज़ेह रहे कि 12 अगस्त 2022 को इस्लाम मुखालिफ तौहीन आमेज नावल के 75 साल मुसन्नफ सलमान रश्दी पर कातलाना हमले के दौरान गर्दन और धड़ में छुरा घोंप दिया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान रश्दी के इस हमले में एक आंख जाया और वो एक हाथ के इस्तेमाल से महरूम हो गया था।